हाँ बेटा अब बोलिए, क्लियर है आवाज अभी? यस राज आपको? क्लियर है सर, आवाज क्लियर। देखिए इस क्वेश्चन में है क्या, ध्यान से सुनिए, किसी का सॉल्व हुआ कुछ थोड़ा मोड़ा, कोई बताएगा? चलो हम बता दे रहे हैं। देखिए द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अलोंग अ हॉरिजेंटल पाइप थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग इज 1.4 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। देखिए कितना गिवन है, जो इसमें डिफरेंस गिवन है केवल 1.4 मरकरी गिवन है, प्रेशर है ये, ठीक है, बट केवल सेंटीमीटर में गिवन है। इसका मतलब अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1.4 मरकरी गिवन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, गिवन में अगर हम लोग देखेंगे तो P1 माइनस P2 गिवन, ठीक है, P1 माइनस P2 कितना गिवन है, 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। Hg होता ना सिंबल इसका, मरकरी का, क्यों बेटा? Hg होता है सिंबल ऑफ मरकरी। इसका मतलब क्या करेंगे, क्योंकि देखो ये अपने को गिवन है प्रेशर, और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो होता है प्रेशर का फॉर्मूला, लेकिन यहां पर क्या है, सेंटीमीटर गिवन, और 1.4 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, यानी कि मरकरी का कितना गिवन है बेटा, 1.4 सेंटीमीटर। तो पहला काम इसको आप क्या करिए, मीटर बदलेंगे तो 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा मीटर, ठीक है, लेकिन अभी भी हमारा क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं आया है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या चीज गिवन है, आपको मास पता होगा किसका, डेंसिटी का, ठीक है ना, डेंसिटी का मास आपको पता होगा, और प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब और क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू एफ का मतलब होता है एमजी, क्योंकि यहां पर वेट की बात हो रही है मरकरी की, अपॉन ए एरिया हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, और कुछ आइडिया, अब मरकरी की डेंसिटी तो अपने को पता है कितनी होती है, मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना बेटा, दिस इज डेंसिटी ऑफ मरकरी, क्लियर। तो एक काम करिए यहां पर, क्योंकि इसको अपने को प्रेशर बदलना है, ये केवल इतना गिवन है 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, ये प्रेशर डिफरेंस इतना गिवन है, ये इस क्वेश्चन में अपने को देखना है। हाँ चलो ये हो गया, हेलो आवाज आ रही है ना बेटा? यस 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 सर। ओके वेरी गुड, तो चलिए कर दीजिए फिर, तो 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 13.6 इसकी हो जाएगी डेंसिटी, इंटू जी कितना होता है, एम जी इसमें करेंगे ना, तो एम ये हो गया, और जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8। एक मिनट इसको हटा दो बेटा, केवल इतना ही हम रख रहे हैं, ये तो यहां से एम इज इक्वल टू हो जाएगा रो वी, या सिंपल सा करिए, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का मतलब क्या होता है एम जी, यहां पर हम लोग क्या रख रहे हैं, फोर्स लिख रहे हैं, चलिए और यहां से क्या हो जाएगा, 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 13.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, देखिए इसमें डेंसिटी गिवन होगी मरकरी की, हाँ 10 टू द पावर 3 है बेटा, सॉरी 13.6 इंटू 10 की पावर 3, और जी गिवन होगा, देखिए 9.8 गिवन है शायद, हाँ 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम, ठीक है, ये अब आपका आ जाएगा प्रेशर कितना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसमें जितने भी यूनिट गिवन है सबको कट पिट करोगे तो यही आएगा। इसको सॉल्व करिए बेटा, देखिए सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, हाँ किसी का आया सॉल्व करने पर, चलो हम बता दे रहे हैं, 1.4 इंटू 13.6 इंटू 9.8 इंटू कितना आएगा, 10 टू दी पावर 3 है, 10 की पावर माइनस 2 है, तो कितना हो जाएगा, 10 केवल बचेगा, इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे आप, अगर 10 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4 इंटू 13.6 इंटू 98, क्योंकि एक डेसिमल हट जाएगा यहाँ पर, 10 है,
अपॉन करेंगे तो दोनों अगर आप यहाँ पर हटाएंगे डेसिमल, तो आप यहाँ पर कितना कर सकते हैं, 10^-2। बेटा इसको मल्टीप्लाई करिए, 14 × 136 × 98 × 10^-2। इन तीनों को करना है मल्टीप्लाई। जल्दी बताइए आंसर इसका, सभी लोग तुरंत बताइए, कैलकुलेटर मत यूज करना बेटा। अच्छा एक बात दिमाग में है आप लोगों की, यहां पर प्रेशर में क्यों इस तरह से मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हम लोग कल भी इस क्वेश्चन को कर रहे थे, जो हम लोग वेंचुरी मीटर बनाए हुए थे, ठीक है एक बार समझ लीजिए इसको, क्योंकि हो सकता है इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो। वेंचुरी मीटर बनाए थे, थोड़ा हाइट का डिफरेंस था शायद ना, इसमें वाटर यहां तक था, इसमें वाटर यहां तक था, डिफरेंस कितना था, एच का था, तो यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस कितना आया था, याद है सभी को, एच रो जी आया था, ठीक है ना। तो वही सेम टू सेम हमने भी किया है, क्योंकि यहाँ पर अपने को एच गिवन था कि कितनी हाइट तक मरकरी है उस पाइप में, जो भी पाइप होगी कैसे भी, तो कितने हाइट तक थी, इतने हाइट तक मरकरी है, तो एच तो गिवन है, और रो हमारा ये हो गया और जी हमारा ये हो गया, तो इस तरीके से प्रेशर आ रहा है, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस का यही तरीका है। हाँ बेटा किसी का है मल्टीप्लाई करने पर, राज अनस आवाज तो आ रही है ना, फटाफट बताइए, जल्दी करो। अरे देवांश कुछ कर रहे हो बेटा, देवांश चलो कोई बात नहीं, यस सर कुछ कर रहे हो, यस सर कुछ आया आप, चलो मैं बता दे रहा हूं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो आएगा बेटा वो इसमें आ रहा है, आप लोग इसको कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि कल मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है 1.87। हाँ बेटा सही कह रहे हो, 1.87 × 10^10 की पावर भी कुछ है, 1.10³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज P1 - P2, ये आपका आ गया प्रेशर डिफरेंस आ गया, जो भी क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म पाइप है ना, तो दोनों साइड का जो डिफरेंस आया है वो अपने को यही मिला है, P1 - P2। चलो ये पता चल गया, अब आगे क्या गिवन है, इफ ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एट द पॉइंट ऑफ ग्रेटर क्रॉस सेक्शन इज 60 cm/s, मतलब अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो V1, मतलब जैसे कोई भी पाइप है ना, तो एक जगह ज्यादा लार्ज एरिया है और एक जगह जो है ये कम हो जाएगा, तो जो लार्ज एरिया है वहां पर जो वेलोसिटी है V1 मान लेते हैं 60 cm/s। अब 60 cm/s को हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 60 × 10^-2 m/s हो जाएगा, V1 हो गया। चलिए भाई ये हो गया, इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द स्पीड एट द अदर पॉइंट, मतलब आपको निकालना है V2 आपको फाइंड करना है, और इसके अलावा और कुछ इसमें गिवन नहीं, ठीक है। तो आप इसमें लगा दीजिए बेटा बर्नौलियस प्रिंसिपल, ठीक है ना, सबको पता ही चल गया होगा बर्नौलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजेंटल पाइप है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, तो सिंपल सा हो जाएगा, यहाँ पर जो है प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ½ρV1² = P2 + ½ρV2² ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर रख दीजिए फटाफट, आपको निकालना क्या है इसमें बेटा, आपको इसे फाइंड करना है V2, तो V2 को एक साइड करिए, बाकी सबको कर दीजिए दूसरी साइड। तो चलिए आइए सॉल्व कर लीजिए इसे, तो पहला नंबर तो एक काम करते हैं, P1 को इधर लाएंगे तो P1 - P2, ठीक है, और ये प्लस हाफ ρV1² और यहां से क्या कर सकते हैं इज इक्वल टू ½ρV2², क्योंकि देखो अपने को यहां पर V2 ही निकालना है, तो V2 को एक ही साइड रहने दे, कोई मतलब नहीं है इधर लाने का। अब सारी वैल्यूज हम लोग रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर कौन फ्लो हो रहा है बेटा, वाटर ही फ्लो हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल पाइप थ्रू वाटर, तो वाटर है तो डेंसिटी यहां पर कितना रखेंगे, 1000 ही रखेंगे। P1 - P2 अपने को गिवन है, कितना ये गिवन है 1.87 × 10^3 + ½ρ
v1 स्क्वायर, ठीक है, या तो थोड़ा और सॉल्व भी कर लेते हैं, v2 यहाँ पूरा फाइंड कर लेते हैं, तो 2 और रो की वैल्यू इधर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों इधर आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 अपॉन रो, और ब्रेकेट में क्या हो जाएगा, p1 माइनस p2 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v2 स्क्वायर। चलो बेटा इसको सॉल्व करो फटाफट सभी लोग, तो जाएगा 2 अपॉन रो का मतलब हो जाएगा 1000, p1 माइनस p2 आपको गिवन है 1.87 इंटू 10 टू द पावर 3, और प्लस हाफ रो का मतलब होता है 1000 ना, इंटू 1000 इंटू v1 स्क्वायर, v1 आपको ये गिवन है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये 60 × 10⁻²² स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर। चल बेटा v2 की वैल्यू यहां से फाइंड कर लो फटाफट सभी लोग, सॉल्व करिए तुरंत, देखिए क्या आता है, समझ में आ गया इतना बेटा, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस केवल यहीं पर जो प्रेशर डिफरेंस गिवन है यहीं पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि मरकरी का आखिर में गिवन क्या है, बाकी सारी चीजें सेम है, वही आपको बर्नौली थ्योरम ही लगाना है, बाकी और कुछ करना नहीं, ठीक है। हेलो राज, यस सर, गुड। अनस, यस सर, समझ में आ रहा है। सामर्थ, तुम्हारी आवाज ही नहीं आई। आभास, आभास, यस सर, हाँ कर रहे हो, नहीं सोते नहीं रहो। देवांश, अरे देवांश डिनर करने चले गए, चलो कोई नहीं, अरे है सर, हाँ करो, वेरी गुड बेटा, सर बस इसको सॉल्व करो फटाफट, सॉल्व कर लोगे, बहुत ही टिपिकल है। फिलहाल मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ, v2 की वैल्यू में बता दे रहा हूँ, देखिए जो v2 यहाँ पर गिवन है वो है 2.02 मीटर पर सेकंड, बट ये आपका काम है कि आप इसको सॉल्व करके एक बार चेक जरूर कर लेना, दिस इज आंसर, ठीक है ना। चलो ये आपका हो गया, इसको लिख लीजिए फटाफट बेटा और प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल दिया होगा, आप लोग देखिएगा इसको, इसको हमने स्कूल में भी दिया है, इसको हो गया होगा आई हो, सबने लिख लिया। देखिए क्वेश्चन हमने दिया है इन मिल्कंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिला सबको, ये केमिस्ट्री में भी आपको मिलेगा मिल्कंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का, और यहां पर भी है, बताए बेटा हो गया ये, यस सर, ओके फटाफट बेटा रिप्लाई फटाफट सभी की तरफ से आना चाहिए ना, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने का, फिर मुझको ऐसा लग रहा ना कि मैं ही फालतू में बोल रहा हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को सभी लोग देखिए, इन मिल्कंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द टर्मिनल स्पीड ऑफ अ ड्रॉप ऑफ रेडियस 2.0 × 10⁻¹⁵, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन से टर्मिनल स्पीड क्या होती है, कोई बता सकता है व्हाट इज टर्मिनल स्पीड, हाँ कोई बता सकता है टर्मिनल स्पीड क्या होती है, वाटर में जाने के बाद कांस्टेंट हो जाती है स्पीड, ना ना वो तो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, कौन सी होती है टर्मिनल, क्या होती है, क्यों और कोई टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में कोई कुछ बताएगा बेटा, कोई बताएगा, देख के बताओ फटाफट, कॉपी में देख के बताओ, बुक में देख करके बताओ, ठीक है जिसने भी बताया था, किसने बताया था बेटा, आवाज, आवाज बताया था, अच्छा ठीक है, देखिए आपको याद होगा हमने बताया था, जिसने बताया था सही बताया था, ठीक है, कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जैसे बॉल है, उसको हमने क्या किया पानी में थ्रो कराया, जब वो पानी में थ्रो कराते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होती है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो बढ़ती जाती है क्योंकि उसके पास एक एक्सेलरेशन होता है, लेकिन उसको जो विस्कस फोर्स होता है लेयर्स का, वाटर की जो लेयर्स होती है उसका जो विस्कस फोर्स होता है उसको मतलब नीचे जाने से रोकने लगेंगी, और जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि उसका जो एक्सेलरेशन होता है जीरो हो जाता है, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि उसको जो वेलोसिटी है
अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, तो जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ अब गिरेगा, ठीक है ना। तो इसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। दिस इज एप्लीकेबल फॉर लिक्विड, मतलब अगर लिक्विड में कोई चीज ड्रॉप हो रही है उसके लिए भी होता है, और कोई चीज अगर गैस में जैसे नॉर्मली एयर में आ रही है तो उसके लिए भी क्या होता है, ये फॉलो अप होता है। तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, टर्मिनल वेलोसिटी पर ही। आई होप सबको आ गया होगा टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है। देखिए क्या कह रहे हैं, इन मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द टर्मिनल स्पीड ऑफ ऑयल ड्रॉप ऑफ रेडियस, मतलब एक आपको ऑयल ड्रॉप गिवन है और उसकी रेडियस आपको गिवन है, मतलब आर गिवन है रेडियस। चलिए ओके, हाँ फटाफट गिवन जितनी भी चीजें हैं उसको लिखते हुए चलते हैं, ठीक है, लिखते चलिए सभी लोग। इसको सॉल्व करना है सभी को, कॉपी पेन आपके पास होनी चाहिए, ऐसे मत बैठना रजाई के अंदर में। चलिए हाँ बेटा, इन मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द टर्मिनल स्पीड ऑफ अ ऑयल ड्रॉप ऑफ रेडियस 2.0 × 10⁻⁵। मीन्स गिवन क्या क्या है, रेडियस 2.0 × 10⁻⁵ मीटर, मतलब बहुत ही छोटी ड्रॉप है, ठीक है ना, 10⁻⁵ मीटर की ड्रॉप। डेंसिटी गिवन है रो, जो भी ऑयल ड्रॉप है उसकी डेंसिटी गिवन है 1.2 × 10³, 1.2 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। विस्कोसिटी ऑफ एयर, विस्कोसिटी गिवन है, विस्कोसिटी सबको पता होगा, आई थिंक इसका फॉर्मूला भी सबको पता होगा। किसी को पता है विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ईटा होता है, ठीक है, विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ईटा होता है, अगर आपको याद हो तो। डेंसिटी गिवन है विस्कोसिटी ऑफ एयर, टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर है उस पर जो विस्कोसिटी गिवन है, मतलब ईटा आपको जो गिवन है वो गिवन है 1.8 × 10⁻⁵, 1.8 × 10⁵ −5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर लिखा है हाउ मच विस्कस फोर्स ऑन द ड्रॉप एट दैट स्पीड, मतलब आपको बताना है विस्कस फोर्स क्या होगा, एफ की वैल्यू बतानी है, नेगलेक्ट बियॉन्स ऑफ ड्रॉप, बियॉन्स मतलब जो नीचे से फोर्स लग रहा है एयर का उसको आपको नेगलेक्ट करना है, और स्मॉल जी की वैल्यू आपको गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकालना क्या है बेटा, निकालना है आपको विस्कस फोर्स एफ। चलिए अब समझ में आया, तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विस्कस फोर्स होता क्या है, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो जो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है, एफ इज इक्वल टू कितना आया था, F इज इक्वल टू आया था 6 pi eta rv, ये आपका आया था विस्कस फोर्स का फॉर्मूला। अब देखिए आपके पास क्या क्या चीजें यहां पर हैं, यू हैव 6, यू हैव पाई, यू हैव ईटा, ये ठीक है, यू हैव रेडियस बट यू डोंट हैव वेलोसिटी, मतलब आपको ये नहीं पता है कि वेलोसिटी किस वेलोसिटी से जो ऑयल है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ये आपको नहीं पता है, ये निकालना है। और ये वेलोसिटी कोई और नहीं है, ये कैसी वेलोसिटी है बेटा, दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है ना, बात सबको समझ में आ रही है। हेलो, यस सर, सर वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है गुड। अब देखिए तो अब कैसे निकलेगा, तो अब आपको पता है आपने स्टोक्स लॉ भी पढ़ा है, और स्टोक्स लॉ की हेल्प से आप लोग जो है क्या फाइंड कर सकते हैं, आप लोग फाइंड कर सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट बना लीजिए, सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए तभी आपको पता चलेगा कि हमें क्या चीज इसमें फाइंड करनी है। तो जो आती है इसमें टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी जो आती है, वी इज इक्वल टू 2/9, ये तो था वी इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर, ठीक है, रो माइनस सिग्मा जी अपॉन कितना था ईटा, ये है बेटा, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें बता रही, ये कह रहे हैं कि जो एयर है बियॉन्स उसको आपको नेगलेक्ट कर देना, मतलब ये आपको नहीं रखना है सेकंड वाला, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा 2/9 आर स्क्वायर रोजी अपॉन ईटा, अब रख दीजिए फटाफट 2/9 आर, रेडियस कितनी है 2.0
इंटू 10^-5 स्क्वायर कर दीजिए बेटा डेंसिटी, डेंसिटी गिवन है क्योंकि ऑयल ड्रॉप है, दिस इज नॉट लिक्विड वाटर, 10^3 और जी आपको गिवन है 9.8 अपॉन ईटा, ईटा कितना गिवन है 1.8 × 10^-5, दिस इज योर इक्वेशन। चलिए सॉल्व करो फटाफट जल्दी सभी लोग, लग के तुरंत करिए जल्दी से। पांच लोग आए हैं, कौन कौन नहीं आया है इस समय? मन्नत नहीं आई है, मन्नत का तो टेस्ट चल रहा होगा। धवन नहीं आया है, शिवान और कौन नहीं? कौन शिवान से नहीं आया, और शिवान सिंह भी नहीं आया ना? यस सर। कोई नहीं, हाँ बेटा जल्दी करो फटाफट। बेटा कैलकुलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको मैं कोचिंग के क्लास में भी काफी बता चुका हूँ, बट याद रखिएगा इसको हमेशा नहीं बताया जा सकता है, इसको आपको सीखना ही है, और ये आप तभी सीख पाएंगे जब आप खुद से सीखेंगे, खुद की ट्रिक लगेगी और आपको तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा बेटा। किसी का आया बेटा कुछ? चलिए मैं बता दे रहा हूं, प्रैक्टिस करते रहिएगा आप लोग। इसकी वैल्यू आएगी 5.8 × 10^5, इसकी प्रैक्टिस करिए, अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे बेटा तो फिर हम दो ही तीन क्वेश्चन रखेंगे डेली, और जो है उसमें फिर कैलकुलेशन भी आपको बताना पड़ेगा, बट आई होप कि आप लोग कर लेंगे, आप लोग मेहनत करिए। ये आ गई बेटा 5.8 × 10^-2 m/s, चलिए छोड़ दीजिए, घर पे कर लीजिएगा अच्छे से। अब आपको v पता चल गया, अब आपके पास इक्वेशन है, रख दो फटाफट सारी चीजें, तो f इज इक्वल टू 6 × π की जगह 22/7 रख दो, 3.14 भी रख सकते हैं, ईटा आपको गिवन है 1.8 × 10^-5 इंटू, ईटा के बाद क्या बचा बेटा r, रेडियस भी आपको पता है 2.0 × 10^-5, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर v, अभी आपने निकाला 5.8 × 10^-2, ये हो गया, सॉल्व कर लो बेटा। कोई कर लेगा इसे? कर लेना बेटा इसे घर पे, बहुत इजी होता है, एक बार आप सीख जाओगे ना आप करते चले जाओगे, वही करना है सबसे पहले। हाँ वेरी गुड सामर, सबस बेटा, चलो मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, 3.93 × 10^-10, 3.93 × 10^ कितना है -10 N। इसको कर लेना, अगर नहीं होगा तो कल की क्लास में, कल मतलब कोचिंग में आप हमसे इसको पूछ सकते हैं, दिस इज आंसर। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था बेटा, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, तो आप इसको कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लिख लीजिए। हो गया बेटा, अब देखिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी का ही है, काफी इंटरेस्टिंग है ये वाला, बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ सामर्थ बोले बेटा, आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है, बोले। अभी भी नहीं है, डिनर लग रहा नहीं हुआ आज। अच्छा गुड, चलिए सब नींद में लग रहा है कि कोई, सब नींद में है। राजशेखर नींद आ रही है? नो सर। अच्छा सो नहीं रहा सामत के लग रहा है। हाँ नहीं, वेरी गुड बेटा, सोना नहीं, एकदम बेहतरीन, एकदम
पढ़ते रहिए। आभास मिश्रा। यस सर। ये आवाज आई बढ़िया। अनस। आभास सोते नहीं सर। आभास सोते नहीं है ऐसा क्यों भाई? अरे ये सो जाते हैं ना मेरा हिस्सा। हाँ ये बात सही है। देखो देवांश इसीलिए हमें लग रहा है किसी का हिस्सा खाने भी चला गया, वो गायब है। चलो फिलहाल ठीक है। हाँ अब देखो ये दो क्वेश्चन था, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं ना उसका वे हमें पता होना चाहिए कि कैसे इस क्वेश्चन में क्या हुआ। पहले क्वेश्चन में अगर आपको याद होगा तो मरकरी गिवन था जिसमें मरकरी प्रेशर अप टू हाइट कितने सेंटीमीटर था यार, कितना था जो भी था कुछ सेंटीमीटर हाइट तक था, जिसमें हम लोगों को प्रेशर डिफरेंस गिवन था कुछ हाइट तक कि इतने हाइट तक ये प्रेशर डिफरेंस है, तो हम लोगों ने ये निकाल लिया कि प्रेशर डिफरेंस है कितना, तो एच रो जी से हमने फाइंड कर लिया था। बाकी वही सेम टू सेम क्या बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम लगा हुआ था जिसमें हॉरिजेंटल था इसलिए पोटेंशियल एनर्जी उसमें नहीं थी। सेकेंड क्वेश्चन ये है तो इसमें आपको क्या गिवन थी, आपको इसमें विस्कस फोर्स निकालना था और विस्कस फोर्स निकालने के लिए जब आपने फॉर्मूला यूज किया तो आपने देखा वहां पर आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी नहीं थी, फिर आपने स्टोक्स फॉर्मूला लगाया और वहां से आपको मिल गई टर्मिनल वेलोसिटी, आपने उसको पुट कर दिया तो आपको विस्कस फोर्स मिल गया। तो ये वे आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना, हम कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कितने टाइप के सॉल्व किए हैं, ये हमारे दिमाग में रहना जरूरी है। ठीक है बेटा, बाकी नहीं तो फिर क्वेश्चन आप ऐसे ढेर सारा सॉल्व करेंगे बट आपको पता नहीं रहेगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तीनों क्वेश्चन अलग टाइप के हैं ठीक है ना, तीनों क्वेश्चन से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नौलीज थ्योरम पर बेस्ड है, अगर आपको याद होगा हमने कल आपको कुछ पॉइंट्स लिखाए थे और बोला था बेटा इसकी एनिमेटेड वीडियो आप यूट्यूब पर देख लेना, हम लोगों ने थोड़ा मोड़ा डिस्कस भी किया था। उसमें एक था प्लेन ठीक है, विंग्स ऑफ प्लेन की जो विंग्स होती है प्लेन की उसको बर्नौलीज थ्योरम पर बेस्ड ही बनाया गया, क्योंकि हमें पता है जहां पर वेलोसिटी सॉरी जहां पर एरिया ज्यादा होता है वहां पर वेलोसिटी क्या होती है फ्लो का कम होता है, अगर एरिया ज्यादा है तो ठीक है ना, प्रेशर मतलब वहां पर क्या होता है सॉरी अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर वहां पर क्या होगा कम होगा ठीक है। चलिए ओके, तो इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अ प्लेन इन अ लेवल फ्लाइट एट कॉन्स्टेंट स्पीड, मतलब एक लेवल पर चल रहा है ऐसे प्लेन, ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे एक होता है प्लेन ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, ये तो वहां पर दिक्कत होगी। जैसे पानी क्या है एक नॉर्मली चल रहा है, एक पानी होता है ऐसे जा रहा है, जिसमें हम लोग बर्नौलीज थ्योरम में तीनों तरीके की एनर्जीज को कॉन्स्टेंट प्रूफ किया था, ये प्लेन है और प्लेन ये एक हाइट पर जा रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा अगर हम लोग देखेंगे ग्राउंड से तो हर जगह सेम रहेगा। अब आगे देख लेते हैं आखिर में है क्या, हाँ वही इसका मतलब होगा और कोई मतलब नहीं होगा। तो अ प्लेन इन अ लेवल फ्लाइट एट कॉन्स्टेंट स्पीड एंड ईच ऑफ टू विंग्स हैज एन एरिया, अब उसमें दोनों विंग्स का एरिया गिवन है, एक का गिवन है दैट इज 25 सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर गिवन है। चलो भाई ठीक है, दोनों का सेम होगा, किसी का ज्यादा मत कर देना, किसी का 50 कर दो तो एक ही साइड भागने लगे प्लेन। इफ द स्पीड ऑफ द एयर, अब देखिए उसमें स्पीड भी है एयर की 180 किलोमीटर पर आवर ओवर सॉरी ओवर द लोअर विंग्स, मतलब ऊपर ऊपर जो एयर की स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर है और जो नीचे की तरफ है वो है 234 किलोमीटर पर आवर, मतलब नीचे क्या है वेलोसिटी ज्यादा है ठीक है ना, नीचे वेलोसिटी क्या है एयर की ज्यादा है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं डिटरमाइन द प्लेन्स मास, अब आपको बताना है प्लेन का मास क्या है, ये क्वेश्चन है ठीक है ना, क्योंकि अगर प्लेन एयर में उड़ रही है तो हम लोग उसका मास फाइंड कर सकते हैं अगर इतनी सारी चीजें गिवन है तो ठीक है। चलो देखते हैं क्या है, कोई बड़ी चीज नहीं है बस देखने में लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है बट आई थिंक ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, देखते हैं आगे सॉल्व करके क्या होता है। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हो बेटा क्या कह रहा हूँ, कौन था? गुड नाइट कह रहा है। क्या है क्या हो गया, जा रहे हो क्या बेटा? किसी और को गुड नाइट कह रहा था। ओहो गुड नाइट कह रहा था लग रहा है, किसको बोल रहे थे गुड नाइट अभी तुम? सर ये फोन से बात कर रहे थे। बेटा देखो फोन वाली आवाज भी इधर आती है, कोई ध्यान रखना इस बात को, फोन पे बात मत करना नहीं सब सुनेंगे फिर। ना दो मोबाइल रखो फिर। चलो एरिया ऑफ ईच विंग्स जो गिवन है बेटा वो है 25 मीटर स्क्वायर, हमें पता है दो विंग्स होता है इसलिए क्या हो जाएगा 50 मीटर स्क्वायर, ये एरिया मतलब विंग्स का एरिया आ गया ठीक है बेटा। चल बेटा ओके, कहाँ गया, हाँ
फिर डेंसिटी हमें पता है, जो डेंसिटी होती है एयर की कितनी होती है, वन होती है, ठीक है, रो 1.0 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, याद रखना इस बात को बेटा, डेंसिटी की जो डेंसिटी जो होती है एयर की वन होती है, उसको हम लोग लेते नहीं है वैसे, बट ठीक है। स्मॉल जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर नहीं गिवन है तो आप रख लीजिए, और क्या गिवन है, चलो ये हो गया। अब इसमें जो वेलोसिटी गिवन है v1 ना, कितनी गिवन है v1, ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है नीचे वेलोसिटी कम है, ऊपर की वेलोसिटी जो है वो 234 है, मैंने शायद तभी उल्टा बोल दिया था, ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है, जो ऊपर विंग्स है ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा है, क्योंकि अगर ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, नीचे वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, यही था ना। चलो तो जो v1 इसमें गिवन है, नहीं क्या था, हाँ सही है, चलो v1 जो गिवन है वो 234 किलोमीटर पर आर गिवन है, 234 किलोमीटर पर आर, तो भाई इसको हम MKS में लेकर चल रहे हैं, तो किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए 234 × 10³ मीटर पर, यार आर भी है इसमें, या तो एक काम करते हैं दोनों आर्स में ही है, लेकिन नहीं यहाँ पर स्मॉल जी मीटर पर सेकंड में है, तो चेंज करना पड़ेगा, तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी को याद है, 5/18 करते हैं ना, वैसे याद रखिएगा 1000/60 करते हैं तो उसमें आ जाएगा ना, उसको पता होगा सभी को कितना आएगा कट करने पर, कोई कट करेगा इसे, कट करो भाई, 2 9 जार 2 1 जार 2 1 जार और 2 7 जार, 3 से कट हो जाएगा, आई थिंक 3 के टेबल में आता है यार 117, 9 के टेबल में भाई, 9 1 जार 9 ना, और 9 3 जार 27, 13 5 जार 65, सही है, मीटर पर सेकेंड v1 आ गया, देख लो भाई, गुड। और v2 जो अपने को गिवन है वो कितना गिवन है, 180 को तो बदल लोगे यार राइट हैंड साइड से ही, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, देखो 180 × 5/18 कर देंगे, ये आ गया मीटर पर सेकंड, कट कर दो भाई, तो 50 मीटर पर सेकंड, दिस इज v2, ये देख, एंड दिस इज v1, ये बस हो गया। अब लगा दीजिए आप बर्नौलीज थ्योरम ना, तो बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है बेटा, p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर, क्योंकि एक प्लेन में जा रहा है एक लाइन में जा रहा है, तो वहां पर किसी भी तरीके की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, इज इक्वल टू p2 और प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर, p2 को इधर कर लो, तो p1 माइनस p2 इज इक्वल टू, बाकी सबको उधर ले जाओ, हाफ रो v1, सॉरी ये v2 है बेटा ना, v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर, दोनों साइड कॉमन कर लीजिए हाफ रो, तो क्या बचेगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये देखो ये हो गया। अब देखिए p2 माइनस p1 प्रेशर, अगर आपको याद होगा तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का मतलब होता है mg अपॉन एरिया, होता है कि नहीं, तो बेटा प्रेशर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि ऊपर कितना प्रेशर है नीचे से कितना प्रेशर लग रहा है, और दोनों को माइनस कर देंगे, और जो दोनों को माइनस करेंगे वही उसका वेट होगा, ठीक है ना, समझ में आ रही है क्यों बेटा, क्लियर है, हेलो सर, क्लियर है, नहीं बोलोगे, वेरी गुड, तो ये क्या हो जाएगा mg, ये हो गया, और इनटू क्या कर देंगे प्रेशर में, a कर देंगे ये एरिया, ठीक है, क्योंकि प्रेशर का मतलब क्या हो जाएगा mg इंटू a ही तो होगा बेटा, ये देखो इधर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रेशर इंटू एरिया का मतलब ही तो mg होता है, ये कर दिया हमने, नहीं उसमें सॉरी प्रेशर में मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसमें हम लोग क्या कर दें यार, चलो एक काम करते हैं p1 माइनस p2 इज इक्वल टू दिस, ये देख, या तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं या तो पहले इनकी व्यवस्था करते हैं, तो p1 माइनस p2 में अगर हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या p1 माइनस p2 गिवन है, क्या p1 माइनस p2 गिवन है बेटा, नहीं गिवन, तो p1 माइनस p2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, p1 माइनस p2 की जगह कुछ लिखा जा सकता है,
हेलो, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है बेटा? हाँ, रोजी रोजी। वाह रोजी, तुम्हें बहुत याद है आजकल। रोजी के अलावा कुछ बताओ। अरे यार, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है कि नहीं? तो प्रेशर में अगर हम लोग एक काम करें, जैसे प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, हमें यहां मतलब फोर्स से, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया होगा कि नहीं? और प्रेशर की जगह यस सर। हम लोग फोर्स मतलब एमजी इनटू ए किया जा सकता है, कि प्रेशर इनटू एरिया रहेगा। या तो एक काम करें, यस सर। क्या क्या किया जाए यहां पर, सेट करना है, कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको सेट करो इसको फटाफट। प्रेशर गिवन है, फोर्स चाहिए, तो प्रेशर इनटू एरिया कर देते हैं ना, क्यों? और यस अगर सर। हम लोग प्रेशर इनटू एरिया करेंगे तो क्या मिलेगा? फोर्स यार हम लोग भी फालतू में फंसे हुए हैं। अरे यार, एमजी अपॉन ए कर दो ना सीधा, प्रेशर की जगह एमजी अपॉन ए हो जाएगा कि नहीं? प्रेशर की जगह भाई, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का मतलब एमजी, तो एमजी अपॉन ए हमने कर दिया, इज इक्वल टू हाफ रो, और वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, सिंपल सी बात है। यहां से क्या निकालना है, यहां से एम ही तो निकालना है, सब कुछ मल्टीप्लाई करो फट से, कोई टेंशन की बात नहीं है, इसको याद रखना। ऐसे किया, ए उधर जाएगा, जी नीचे आ जाएगा, तो कैपिटल एम, यही तो मास है उसका। देखो इसमें क्या निकालना है, मास निकालना है ना, हाँ मास निकालना। चलो तो एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वन अपॉन रो ए, और वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा जी? ये आ गया भैया, ये हो गई आपकी इक्वेशन। ये अब आपके पास सारी चीजें हैं, आपको पुट करना है और वैल्यू यहां से करना है फाइंड। ओके, बता दे वैल्यू पुट कर दे, तो 1/2 रो देखो अपने को गिवन है 1.0, एरिया भी हमने निकाला था 50 मीटर स्क्वायर, वी टू आपको गिवन है 65 और वी वन आपको गिवन है 15, तो 65 माइनस 15 अपॉन जी, जी कितना हमने माना है 10, सिंपल सा है, सॉल्व करो फट से। ये कौन है भैया, ए कौन है ये, आवाज देवांश कौन था, हम नहीं दे सकते, अनस अभी यार, नहीं इस करेंगे स्कूल क्लास थोड़ी, हम भी बहुत तोड़ेंगे अभी, तुम्हें समझ लेना। आवाज कौन था बेटा, अभी हम तुमसे ना डीजे बजवाएंगे, समझ लेना। चलो तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा इनटू 65 माइनस 15 करेंगे कितना आएगा, 10। देखा 25 आ रहा है आंसर में, 25 kg मास, देख लो भाई, लो नहीं यार 25 तो नहीं आ रहा, यस। इसमें जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बेटा, हम लोग का काफी इजीली आ गया था, देखो 1 point। ओ हो, एक काम तुम लोग किए ही नहीं, क्या नहीं किए पूछो, ये स्क्वायर है बेटा, ये स्क्वायर ना, तो 1/2, ये 1.0 कोई मतलब है नहीं बेटा, तो यहां पर आप एक काम करिए कि जो है क्या किया जाए, रहने दो ऐसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, तो 65 प्लस 15 और 65 माइनस 15, चलो बेटा सॉल्व कर लेना इसे, यहां से डेसिमल हटाओगे यहां 0 आ जाएगा, ये 2 से 1 2 कट गया, मतलब कहानी खत्म हो गई, तो 1/2 इंटू 5 इंटू कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 65 और 15 कितना होगा, 5 5 10 80 इंटू 10 बस, ठीक है सॉल्व कर लीजिए इसे बेटा, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 800, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 8 इंटू 25 2.5 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 4312। अगर नहीं भी मिलेगा तो इसको आप कर लेना, कहीं पर कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी, बाकी सारी चीजें ठीक है, आंसर यही है आपका, फाइनल आंसर ये है, लिख लीजिए फटाफट। तो 3 क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने आज देखकर शुरू किया था, तो इस 3 को सॉल्व करने में लगभग 1 आवर्स लग चुके हैं, ठीक है ना, हम लोग आगे कोशिश करेंगे 5 सॉल्व करें, मन से सॉल्व करो बेटा, और जो डीजे बजा रहे हो ना, डीजे बजवाएंगे देवांश, समझ लेना, देवांश थे सर ये। ठीक
सर अभी रिकॉर्डिंग है, ये सारी क्लासेस रिकॉर्ड होकर के मिलेगी तो आप उस पर देख सकते हो। अभी देख के बता रहे हैं, वैसे आखिरी टाइम में चल ही रहा है, लगभग 10:52, कितने मिनट क्लास चल चुकी है। चलो ठीक है, ओके चलो। हाँ बेटा बस तो बस ठीक है, सुधरोगे नहीं ना तो बाहर कर देंगे बेटा यहाँ से। चलो ठीक है बेटा, ओके कल मिलते हैं फिर, गुड नाइट बाय। कल कोचिंग में फिर आगे कोई डिस्कस होगा पूछ लेंगे, कल हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू करेंगे, ठीक है। इसका वही एप्लिक्स वाला बचा हुआ है बस, ठीक है। चलो हाँ बेटा बोले चले, चलो बाय बेटा, गुड नाइट।